खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारें तो प्रयास कर ही रही हैं। उसके तहत खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं उनकी वजह से भी युवाओं में खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है। इसकी वानगी देखने मिली इंदौर में, जहां आईपीएल की तर्ज पर बास्केटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, जिसकी धूम देखते ही बनती है। बास्केटबॉल एक ऐसा खेल जिसमें खिलाड़ियों का दमखम और टेक्निक का कमाल इस खेल को बेहद रोमांचक बनाता है। इंदौर में आईपीएल की तर्ज पर आयोजित बास्केटबॉल प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों के हुनर का कमाल देखते ही बन रहा है। वैसे तो इस टूर्नामेंट में 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इंदौर की जूनियर और सब जूनियर वर्ग की गर्ल्स टीम हुनर का कमाल उनका देखते ही बनता है। इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही टीमों की हौसला अफजाई के लिए डीजियाना ग्रुप के एमडी और बास्केटबॉल के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी तेजिंदर सिंह घुम्मन जब इनके बीच पहुंचे तो खिलाड़ियों का उत्साह दूना हो गया। यहां तेजिंदर सिंह घुम्मन ने बताया कि उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो विरोधी टीम के खिलाड़ियों को चकमा देकर बास्केट किया करते थे। ये प्रीमियर लीग आयोजित किया जा रहा है, इंदौर के प्लेयर्स के हिसाब से कितना अच्छा मिलेगा, कितना टैलेंट ग्रूम होगा उनका? डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रयास है चंदू भाई का। मेरी बड़ी खुशी है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा ग्राउंड मुझे यहाँ देखने को मिलेगा। माँ कनकेश्वरी देवी जो खेल परिसर इन्होंने डेवलप किया है, वाकई में बड़े काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा है। और ये बच्चे बड़े किस्मत वाले हैं कि उनको ऐसी सुविधाएं मिल पा रही हैं। अदरवाइज नहीं तो जब हम लोग भी खेलते थे तो ऐसी सुविधाएं नहीं थी, और आज जब बारिश हुई तो जब बच्चों को मैंने ग्राउंड साफ करके देखा तो हमें हमारे दिन भी याद आ गए। हम लोग भी ऐसी टाट लेके पूरा ग्राउंड साफ करके फिर खेला करते थे। और ये वाकई में बहुत अच्छा आप लोगों ने जो परिसर देखा है अभी, बहुत मतलब मेरे हिसाब से एक नेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बनाया है उन्होंने, और जो क्वालिटी में देख रहा था वाकई में बहुत अच्छी है। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता है ऐसे टूर्नामेंटों से, उनके अंदर जो एक कंपटीशन को कैसे फेस करना है उस चीज की जो एक अंदर से एक प्लेयर के अंदर जो एक ललक होती है वो बाहर निकल के आती है। तो ये एक अच्छा प्रयास है और मेरी बहुत बहुत बधाइयां हैं पूरी टीम को, चंद्रभैया की पूरी टीम को, कि इस तरीके के प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमारी बात हो रही थी कि क्यों नहीं एक डिजाइनर के बैनर पे भी ऐसा टूर्नामेंट कराया जाए, तो ये बहुत अच्छा सुझाव लगा मुझे। हम बहुत जल्द इसके ऊपर काम करेंगे और एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित करें। अच्छी तरह का प्रीमियर लीग है वो ही आयोजित किया जाए, वो उसका जो पैटर्न है वो एक बार बैठ के सारी टीम डिसाइड करेगी कि पैटर्न क्या होना चाहिए। और जिस तरीके से मुझे चंदू भाई ने बताया कि जो पैटर्न इन्होंने मतलब ऑक्शन की है प्लेयरों की, ये मतलब एक नया चीज है जो अभी तक हमने बास्केटबॉल में नहीं देखी थी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि फुटबॉल में हो रही है, क्रिकेट में हो रही है, लेकिन बास्केटबॉल में पहली बार इस स्तर पे तो कम से कम एक वो नया प्रयास है। और बच्चों को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा इस तरीके से मिक्स टीम के साथ खेलना। नॉर्मली नहीं तो हमने देखा है कि एक टीम हो गई स्टेडियम की, गली इंदौर टीम हो गई, एक कॉलेज की हो गई, लेकिन इस तरह से मिक्स खिलाड़ियों के बीच में जब वो खेलते हैं तो एक अलग कॉम्बिनेशन बनता है एक दूसरे। कुछ टीमें ऐसी होती हैं कि जो 10 प्लेयर हैं या 5 प्लेयर खेल रहे हैं तो उनका आपस में तो कॉम्बिनेशन है, लेकिन जब उनके साथ कोई नया प्लेयर आ जाता है तो उनके साथ कॉम्बिनेशन दिखाना एक अपने आप में ही एक नई चीज उभर के आती है प्लेयर के अंदर। ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास लगा मुझे यहाँ इनका, और मेरी बहुत बहुत बधाई है चंद्रभैया की टीम को। और दिल से है कि बास्केटबॉल जैसे खेल के लिए इतना अच्छा इन्होंने सेटअप यहाँ पे बना रखा है, यही कहना चाहूंगा। मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश मेंदुला के विशेष सहयोग से ये आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह ने माना कि इस तरह के आयोजन से नया टैलेंट उभर कर सामने आता है। बता दें कि ये मैदान जिस हिस्से में बना है, पूर्व में यहाँ बैकलेन और उजाड़ गार्डन था, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल का बास्केटबॉल कोर्ट है। यहाँ रोज 5 शिफ्ट में करीब 300 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। बहरहाल ये आयोजन अपनी तरह का अनूठा आयोजन है, क्योंकि इस तरह का बास्केटबॉल प्रीमियर लीग इससे पहले प्रदेश में कहीं भी आयोजित नहीं किया गया। अगली कड़ी में अब लड़कों के लिए इस तरह का आयोजन किया जाएगा। इस तरह का पूरा आयोजन किया गया और खास तौर से लड़कियों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है इस टूर्नामेंट के। सबसे पहले तो अभी नौ दिन माँ की आराधना होती है, नवरात्र है, माता जी की सभी पूजा पाठ करते हैं,
तो हमने सोचा क्यों नहीं इस नवरात्रि के अवसर पर बीवियों को पूजा जाए। मन में विचार आया तो एक टीम बनके तो सब जगह खेल लेती है, मगर हमने प्रयास किया कि जैसे आईपीएल क्रिकेट होता है एक ऑप्शन करके टूर्नामेंट कराया जाए और जो भी अच्छे खिलाड़ी उनको यहाँ बुलाया, इसका ऑप्शन हुआ। ये ग्राउंड आज से 1.5 से 2 साल पहले हमने बनाया था, क्योंकि यहाँ पर गंदगी पड़ी रहती थी, ओपन ड्रेन पड़ा हुआ था, तो इसके तरफ निगाह गई। तुमने कहा यार इसमें बगीचे तो अपन बहुत सारे बना दिए, यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स की चीज बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रमेश मंदला जी जो हमारे हैं, उनसे मैंने इस विषय पर चर्चा करी तो उन्होंने बोला बास्केटबॉल कोर्ट बना सकते, हमने बास्केटबॉल कोर्ट बनाया। हमने इसी उम्मीद नहीं की थी कि हमको इतना अच्छा इस खेल के प्रति लोगों का इंटरेस्ट दिखेगा, मगर जब बना लिया तो हमने कहा ठीक है बन के अब देखते हैं क्या होता है। इसके बाद देखा कि लोगों में बास्केटबॉल के प्रति रुचि उत्साह ऐसा माहौल हुआ 2 से 2.5 महीने के अंदर ही कि अब हमको बोलना पड़ता है कि हमारा एडमिशन नहीं है। अभी तक जो भी टूर्नामेंट करवाया हमने एक टीम से दूसरी टीम का करा, मगर अभी इसमें ऐसा करा गया कि हर टीम का एक आदमी जिसका वजह आपस में कॉम्बिनेशन नहीं हो और एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से पहचान भी बनेगी और टीम के साथ तो सभी खेलते, मगर अलग अलग खिलाड़ी के साथ खेलना वो बड़ा कठिन काम होता है। उसका एक पहला प्रयास हमने किया है और बास्केटबॉल से कैलाश जी भी जुड़े हुए हैं, तो कैलाश जी की वजह से हमारे मन में विचार आया कि बास्केटबॉल का कोर्ट बनाना चाहिए। रमेश जी की इच्छा है, कैलाश जी की इच्छा है, तो बस उसी को आगे उनके नेतृत्व में इसी को आगे बढ़ाने का हम जो है कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में इस टूर्नामेंट का स्वरूप और बढ़ेगा, टीमों की संख्या ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि डीजीएनआई चैनल के जो मालिक हैं तेजिंदर सिंह जी उनको भी बड़ी खुशी हुई, वो भी अपने जमाने के बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, उनको भी यहाँ आकर आनंद आया और उनने भी ये बोला कि इस टूर्नामेंट को और इससे बड़े स्तर पर ले जाएंगे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और लड़कों के लिए भी इसके बाद लड़कों का ही टूर्नामेंट 16 तारीख बाद लड़कों के लिए भी टूर्नामेंट करेंगे, लड़के भी हमारे खेलने आते हैं। प्रयास किया है कि बस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री की इच्छा है कि खेल को आगे बढ़ना चाहिए, हर चीज में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लड़कियां खेल के माध्यम से भी आत्मनिर्भर बन सकती है, हो सकता है वो ऊंचाइयों को भी जा सकती है।